नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी और इस वक्त मैं हूं कन्याकुमारी। खूबसूरत रंगों से सड़क पटी पड़ी है। एक संदेश है जोड़ने का, कुछ संदेश पिछले कई सालों से जो नए हुक्मरान हैं वो तोड़ने के संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ हैं गुजरात से माने जाने माने चेहरे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद शक्ति सिंह गोहिल। गोहिल साहब, सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि कुछ दिन पहले जो रैली की थी महंगाई की, उसमें हमने देखा भारत जुड़ गया। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है सिर्फ शासन हत्या लेना या पावर पॉलिटिक्स ही आखिरी गोल नहीं। हमने हर वक्त देश के हित को, जन के हित को दल के हित से ऊपर रखा है और राहुल गांधी जी वो नेता है, वो हर बार गलत होता है उसके खिलाफ खड़े होते हैं, मर्दानगी से लड़ते हैं और जनहित की आवाज़, देश के लिए, देश के लोगों की समस्याओं की आवाज़ अगर कोई है तो राहुल गांधी जी है। उन्होंने ये शुरुआत की हर इश्यू पे, जहाँ जहाँ लोगों की समस्याएं थी, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर किसानों के अधिकार का कानून हो, या चाहे महंगाई हो, हर वक्त सबसे पहला मजबूती से आवाज़ उन्होंने रखा। आज देश की जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन उनके साथ है। आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान छोटा पड़ गया, इतने लोगों ने प्यार समर्थन दिया और गुजरात में भी परसों ही उनकी रैली हुई, इतने लोग आए कि बहुत बड़ा पंडाल भी वहाँ छोटा पड़ गया था। सर, आप जिस राज्य से आते हैं वहाँ से बापू ने पूरी दुनिया में शांति अहिंसा का संदेश दिया, जिसके आज पूरे विश्व में उसकी चर्चा है, लेकिन अपने मुल्क में ही हम देखें 2014 के बाद तो लोगों को जो राजनीति की गई वो नफरत की राजनीति गई है, तोड़ने की, जाति की, ऐसे समीकरणों की बात की है जिससे भारत होता है। तो ये भारत जोड़ो जो रास्ता है, ये कितना बड़ा संदेश होगा सर? देखिए, देश आज़ाद हुआ तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन के लड़े थे, तब देश आज़ाद। ये देश हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता वाला देश है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। अगर कोई ये करता है कि मेरे लिए राम का मरे या रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, तो वो पॉलिटिक्स से आखिर में देश कमज़ोर होता है। राहुल गांधी जी ये लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए ये यात्रा, और कोई लग्जूरियस यात्रा नहीं। दिखा दे मुझे बीजेपी का कोई नेता, बड़ी मुश्किल है सर चलना, इतना दम होना चाहिए। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जनमानस भी, हमने सड़कों पे कन्याकुमारी के देखा कि लोग जो हैं अपने आप आ रहे हैं, ये टूरिस्ट प्लेस है। मैंने सुबह वॉक कर रहा था, देखा तो लोगों में चर्चा था, उत्साह था, क्योंकि कई दिनों से नफरत की वो राजनीति देख रहे हैं। देखिए, राहुल जी दिल से जो मानते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं। वो कोई फेंकूबाजी नहीं करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर लो और फिर सच्चाई कुछ ना हो। तो राहुल गांधी जी के साथ जनता का बिल्कुल लगाव है। और ये आपने सही कहा कि दर्द, दिक्कतें, पदयात्रा कोई आसान काम, इतनी लंबी 3500 किलोमीटर, 150 दिन, इतने सारे राज्यों में, पूरा देश माने कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा के नेता तो रथ यात्रा निकालते थे, एयर कंडीशन रथ, जहां साधु संत पैदल चलेंगे और भाजपा के नेता एयर कंडीशन रथ में बैठेंगे। ये नहीं, मुझे दिक्कत कितनी भी हो, कितना भी कष्ट उठाना पड़े, इस देश के लिए मैं करूँगा, वो भावना के साथ राहुल जी निकले हैं। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश की उन लोगों के पे जो सच को साथ देते हैं, वो राहुल गांधी जी को ज़रूर प्यार, आशीर्वाद और समर्थन देंगे। हमने सर लास्ट में एक सवाल, हमने देखा पीछे कई मरतबा गिरफ्तारियां भी दी उन्होंने, संसद के अंदर, संसद के बाहर प्रदर्शन पर रोक भी लगाने कही, एक संदेश वो हमेशा देते हैं, डरो मत। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है और जब जब डराने वाले शासक आते हैं तब कोई ना कोई निकलता है जो ये संदेश देता है डरो मत। अंग्रेज डरा रहे थे, लाठी गोली की सरकार थी, कांग्रेस की विचारधारा थी, महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये संदेश दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर से लेके लोगों ने, कि डरो मत। और जनता लाठी गोली की उन अंग्रेजों की शासन के खिलाफ बिना डरे लड़ी, चाहे वो शासन रावण का हो या कंस का हो, वहाँ पर भी ये बात हुई और फिर परिवर्तन हुआ था।
तो आज देश में एक डर का माहौल, खौफ। आप कुछ बोलोगे सच तो आपके वहाँ ईडी, सीडी, इनकम टैक्स, पुलिस के, सीबीआई, और डरा धमकाने की जो पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ एक नहीं डरने वाला नेता के तौर पे राहुल गांधी जी उभरे हैं और लोग उनको साथ और समर्थन देते हैं। वो ज़रूर डराने वाले शासकों को हटा के राहुल गांधी जैसा एक प्यार से लोगों को साथ रख के दिल से साफ इंटेलिजेंट इंसान देश का नेतृत्व करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति सिंह जी। और ये है ऐतिहासिक यात्रा आज़ाद हिंदुस्तान में, इससे बड़ी यात्रा आपको नहीं देखने को मिली है। इसमें आप भागीदारी करिए और इस यात्रा में जुड़कर भारत को जोड़ने की आपके INC TV आग्रह करता है। नमस्कार।